पेपर में आप 20 से 25 क्वेश्चन निगेटिव कर दोगे तो कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा नुकसान है। इसका मतलब आपके जो 20-25 नंबर ज्यादा आ रहे थे वो कम हो गए। अब 20-25 नंबर के गैप में रैंक में कितना डेविएशन आएगा ये आप खुद जानते हो, आप सारे बच्चे खुद समझदार हो कि यदि कहीं पर ठीक है, जिसकी रैंक 625 वाले की रैंक और 600 वाले की रैंक में कितना बड़ा डिफरेंस होगा। 625 और 600 वाले की रैंक में आप ही जानते हो और मैं भी जानता हूँ, कम से कम कुछ नहीं तो 1000 का डिफरेंस आ सकता है, 800 रैंक, 1000 रैंक, 600 रैंक का डिफरेंस आ सकता है, तो और भी बड़ा डिफरेंस आ सकता है, और भी बड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें प्री मिस्टेक से बचना, हमें कॉन्सेप्चुअल एरर से बचना, हमें कॉन्सेप्चुअल एरर से बचना। अब बात है कॉन्सेप्चुअल एरर, प्री मिस्टेक, इन सबसे बचा कैसे जाए, इनको रिमूव कैसे किया जाए, इस कमी को कम कैसे किया जाए या खत्म कैसे किया जाए, तो इससे जुड़ा है। देखो जो कॉन्सेप्चुअल एरर है या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है वो खत्म कैसे होगी, रिवीजन होगी। आपके पास जो टीचरों ने नोटबुक बनवाई है ना, बायो वाले सर है हमारे पास, तरुण सर है और मनीष दुबे सर है, ठीक है, केमिस्ट्री में है, ठीक है, मैं हूँ, ठीक, पंकज सर है एंड इनऑर्गेनिक में एमडी सर है ना, मोहित अधीश सर है, ठीक है, इसी तरह से फिजिक्स में साइंस प्रतीक सर है, तो इन सभी टीचरों ने नोटबुक बनवाई है और कोटा एक्सप्रेस वालों ने भी नोटबुक बनवाई है, उन सभी टीचरों ने नोटबुक बनवाई। कोटा एक्सप्रेस में भी आपके पास बायो के सर है, फिजिक्स के सर है, केमिस्ट्री के सर है, इन सभी लोगों ने नोटबुक बनवाई। तो आप नोटबुक को खूब अच्छे से रिवाइज करो डेली, नोटबुक को खूब अच्छे से रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक टाइम नोटबुक के रिवीजन का बनाओ, जैसे कॉन्सेप्चुअल एरर ना होने का, कम से कम होने का, देखो थोड़ी बहुत तो होगी हो, मगर ऐसी होनी चाहिए कि कॉन्सेप्चुअल एरर से पर सब्जेक्ट एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निगेटिव जाए या ज्यादा से ज्यादा दो हो जाए, पर सब्जेक्ट एक क्वेश्चन, यदि पर सब्जेक्ट एक क्वेश्चन जाएगा तो 4-5 क्वेश्चन तो निगेटिव यही हो गए कॉन्सेप्चुअल एरर से। फिर कुछ क्वेश्चन आपके सिली मिस्टेक और तुक्के से जाएंगे निगेटिव। तो सिली मिस्टेक कब नहीं होती, जरा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, जब आप कूल माइंड से पेपर करते हो, हड़बड़ाते नहीं हो, है ना, प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पाते हो तो सिली मिस्टेक नहीं होती। यदि आप प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपकी सिली मिस्टेक कम होगी। इसके लिए क्या होनी चाहिए, स्पीड। आप पेपर अच्छे से कब हैंडल कर पाओगे, जब आपको पता होगा कि 3 घंटे में 180 क्वेश्चन, जो 180 क्वेश्चन आएंगे या कह सकते हो 200 क्वेश्चन जो आएंगे, उनमें से 180 क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे, तब आप क्या रहोगे, कॉन्फिडेंस में रहोगे, प्रेशर फील नहीं करोगे और सिली मिस्टेक को नहीं करोगे। इसी वजह से मैं सीसेट कराता हूँ। सीसेट के पीछे रीजन क्या है, सीसेट के पीछे यही रीजन है कि आपका रिवीजन होता रहे, आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाओ, आपको ये समझ में आ जाए कि यार 3-4 मिनट एक बड़ी वैल्यू है, कोई एक क्वेश्चन हो सकता है 3 मिनट में सॉल्व हो, मगर अगले 3 क्वेश्चन हो सकता है 1 ही मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। और बहुत लेंथी क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट में ले जाएंगे, शुरुआत में नहीं करेंगे। तो इन चीजों पर थोड़ा फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि अब टाइम आ रहा है धीरे धीरे, तो इन चीजों पर फोकस करना शुरू कर दो कि कॉन्सेप्चुअल एरर की वजह से हम कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, मतलब हमारे निगेटिव मार्किंग की वजह से कितने नंबर कमा रहा है, उस पोर्शन को डिक्रीज करते चले जाना। जैसे अभी मान लो 25 क्वेश्चन निगेटिव होते हैं किसी के, तो वो कोशिश करें कि भैया 5 और 7 के बीच में निपटे आते, किसी भी बच्चे के 5 से 7 क्वेश्चन से ज्यादा निगेटिव नहीं होने चाहिए। यदि ज्यादा निगेटिव कर रहे हो तो ये भी एक हानिकारक बीमारी है, ये आपके सिलेक्शन को खा सकती है, ये आपके सिलेक्शन को खा सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात का, विशेष ध्यान रखें। मुझे याद है एक बच्चे की कहानी सुनाता हूँ आपको, ठीक है, एक बच्चे की